हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम पोम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड द पोम फायर एंड आइस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों, आप लोग जो है इसके पहले हम ओवरव्यू देंगे इसका देंगे, और ओवरव्यू के बाद जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे. तो आप लोग जो है माइक रेडी रखें अपना टू आंसर द क्वेश्चन. तो अभी हम बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोम फायर एंड आइस. उससे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्टफोन स्क्रीन. तो बच्चों, जैसे आपको पता है, दिस इज योर सेकेंड पोम आफ्टर द चैप्टर इन लेटर टू गॉड. इससे पहले हमने डस्ट ऑफ स्नो करी थी, वो भी छोटी सी एक पोम थी. और किस तरह से दोनों पोम जो है हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, एंड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. क्लियर? तो यहाँ पे क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि एक दिन जो है, वन डे, द वर्ल्ड वुड एंड इधर बाय फायर और बाय आइस, राइट? तो उन्होंने दो जो है प्रोस्पेक्ट लिए हैं, और किस तरह से हमने जो है उनको किस तरह से कंट्रास्ट किया है, उन्होंने किसे हेटरेट से और डिजायर से, तो वो हमने अभी पोम में जो है पढ़ा था. तो किस तरह से उनका जो है कुछ लोगों के ओपिनियन जो है, जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, बट जो दूसरा ग्रुप है अदर ग्रुप से, इट वुड एंड विद आई. क्लियर? और किस तरह से होगा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. अभी हम इसका ओवरव्यू देखेंगे बच्चों. तो फर्स्ट स्टैंड आपको क्लियर है, हमने पोएटिक डिवाइसेस भी जो है, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है पोएटिक डिवाइसेस, या समरी समझ में नहीं आई, या कोई स्टैंड समझ में नहीं आया, तो अपने आप जो है अभी डाउट क्लियर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं, दोनों पोम में से एक ना एक तो आएगी आपकी. तो एक्स्ट्रेक्ट टाइप के क्वेश्चन भी हमने करे थे जैसे एग्जाम में आते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में जो है उन्होंने ओपिनियन बताई है, लोगों की ओपिनियन बताई है कि किस तरह से एक ग्रुप बोलता है कि समडे द अर्थ कोर विल गेट सो हीटेड, इतना गर्म हो जाएगा अब, दैट इट वुड लीड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा. दूसरा ग्रुप क्या बोलता है बच्चों, कि किस तरह से इसका एंड जो है, आइस से आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट मींस एंडिंग द वर्ल्ड. He brings about a contrast between ice and hatred, the human capability of insensitivity and hatred has the potential of for the inner destruction. Slow होता है, but उतना ही powerful है जितना कि fire है. Clear? तो यहाँ पे दो word use करें, slow and steady. तो fire आपने देखा, एकदम से आग जो है spread हो जाती है और एकदम से destroy कर देती है things को. But ice क्या करती है, धीरे धीरे, slow and steady. Destroy the things. Clear? तो ये हमने दो स्टैंजर्स जो हैं yesterday we discuss in detail. अभी हम जो है एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है आपको बताएंगे कि फायर एंड आइस. रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो आप जो हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि पोएट का नाम जो है साइड बाय साइड जो है आप याद करते हुए इसको चले. तो फायर एंड आइस जो है क्या है, ये कि पोएट ने बताया कि ओपिनियन है, दो लोगों के ओपिनियन है, दो ग्रुप के ओपिनियन है, कि एक दिन जो है द वर्ल्ड वुड एंड ईदर बाय फायर और आइस, राइट? अब कैसे बोला है, कुछ लोगों ने बोला है, सम एक ग्रुप जो बोल रहा है वो क्या बोल रहे हैं, इट वुड एंड इन फायर. दूसरा ग्रुप क्या कहता है, इट वुड एंड इन आइस. अब यहां इन दोनों चीजों को उन्होंने किससे कंट्रास्ट किया है बच्चों, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग
सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। अब ह्यूमन इमोशंस कौन कौन से हैं बच्चों, जिनको उन्होंने कंट्रास्ट किया है फायर से और वुड से, तो कौन कौन से हैं बच्चों? हेट्रेड एंड डिजायर, फायर विद डिजायर एंड हेट्रेड विद आइस। अब क्यों कंट्रास्ट किया है कि फायर के लिए उन्होंने बोला कि अगर अर्थ का जो है कोर गेट हीटेड, तो एक दिन क्या होगा उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा हीट से कि सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी इच्छाएं जो हैं अनलिमिटेड हो जाती हैं, तो एक दिन जो है हमें उसका रिजल्ट मिलता है। और होता है ना कि बच्चों लालच के चक्कर में हम हार्ड वर्क करते रहते हैं और लालच करते हैं, अरे भाई ये भी मिल जाए, तो एक दिन जो है हमें कुछ नहीं मिलता और लास्ट में क्योंकि सबका जो है एक दिन एंड होना है, तो इसीलिए उन्होंने कंट्रास्ट किया फायर विद डिजायर। सिमिलरली आइस का जो है कंट्रास्ट किससे क्या है बच्चों? हेट्रेड से, कि नफरत। अगर ये नफरत हमारी किसी से बढ़ जाती है तो क्या होता है बच्चों? हमारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और लास्ट में उसका भी जो है रिजल्ट क्या निकलता है? सेम, कि हम लोग जो है कहीं के नहीं रहते और एंड हो जाता है हमारा। तो सेम जो है उन्होंने कहा है फायर एंड आइस दो कंट्रास्ट लिए हैं, दो कॉम्पोनेंट्स लिए हैं एंड बोथ आर इक्वली पावरफुल, दोनों जो है क्या है इक्वली पावरफुल, इक्वली पावरफुल। किस लिए है इक्वली पावरफुल? टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्लियर। तो इस तरह से ये समराइज कराया मैंने, और अगर आपको इतने पॉइंट्स भी याद होंगे तो इट इज एनफ फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस, क्लियर। नेक्स्ट हमने लिटरेरी डिवाइसेस करी थी, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है बच्चों, दो पोम के जो है एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है दिए रहते हैं और आपको उसी स्टैंडर्ड से आपको आंसर देने होते हैं। तो हमने दोनों पोम के जो है, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको जो है क्योंकि टू द पॉइंट आंसर देने और आंसर जो है विद इन द एक्सपेक्ट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती टू गिव द आंसर, राइट। तो ये सेकेंड स्टैंडर्ड के आंसर हमने किए थे यस्टरडे, वी डिस्कस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को आंसर देने हैं, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप लोग माइक लेके जो है आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, हु इज द पोएट ऑफ द पोम फायर एंड आइस। अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम, तो मैंने अभी बताया था, अगर किसी बच्चे को आंसर देना है तो प्लीज रेज योर हैंड। GIC चिंतोली, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, यस, व्हाट्स योर नेम? मैम मनीष। मनीष, मनीष, या फोर ऑप्शन सर, या फोर ऑप्शन सर, मैम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मनीष, बी इज योर राइट आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गुड, वेल डन, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरे बच्चे को दे दो, रखिए ना और दूसरे बच्चे को दे दो। मनीष, गिव इट टू, या नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, पोएट ने कंपेयर करा है फायर को किससे कंपेयर किया है? ऑप्शन इज हेट्रेड, डिजायर, हॉट, बोथ वन एंड थर्ड। तो पोएट ने किससे कंपेयर किया है बच्चों फायर को? किसी बच्चे को आता है? अभी मैंने बताया था आपको, फ्लो चार्ट बना के आपको बताया था। तो यहाँ पे फायर को किससे कंपेयर करा है? रोशनी, रोशनी, आंसर द क्वेश्चन, आंसर इज रॉन्ग। पीछे से एक बच्चा बोल रहा है, मनीष, हेट्रेड डिजायर, बी, वेरी गुड। रोशनी, अभी जो है मैंने ऑप्शंस बताए थे आपको, फ्लो चार्ट में भी मैंने आपको बताया था, तो आप जरा ध्यान दें पढ़ाई में, पर गुड ट्राई,
पर आपने कोशिश करी रोशनी, गुड ट्राई, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बताया कि फायर और आइस दो इक्वली पावरफुल कॉम्पोनेंट है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अब यहाँ पे दो सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस कौन से बच्चों, डिजायर एंड हेट्रेड। तो यहाँ पे फायर को किसे हमने यहाँ पे सिंबलाइज करा है या कंट्रास्ट किया है फायर को डिजायर से, तो इट्स वेरी सिंपल। और आइस को किससे करा है यहाँ पे, हेट्रेड से। तो सिंपल सा आंसर है इसका बच्चों, राइट। तो अभी मनीष ने आंसर दिया है डिजायर। फायर किससे कंपेयर करा है, डिजायर से। अगेन यहाँ पे मैं एक बारी वंस मोर लिख देती हूँ, फायर विथ डिजायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश। पैरिश का मतलब क्या है बच्चों, जीजीआईसी सुल्तानपुर, माइक लेके आप आंसर दे सकते हैं, पैरिश का मतलब क्या है। मैंने जब पढ़ाया था एट द टाइम आई टोल्ड यू, उस समय मैंने बताया था कि मीनिंग ऑफ पैरिश, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीजीआईसी सुल्तानपुर, व्हाट्स योर नेम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज योगिता। योगिता, व्हाट, व्हिच वन इज द राइट आंसर? ब्लूम राइट डाई ग्लो। गुड मॉर्निंग, आंसर बोलो बच्चे। आंसर आई थिंक राइज। कोई और बताए आंसर, क्या इसने सही आंसर दिया है? पैरिश का मतलब क्या होता है, आपने ध्यान नहीं दिया बच्चे। जीआईसी चिंतोली से आंसर आ रहे हैं, रेस करे बच्चे हैं, वेरी गुड। आप माइक लेके आंसर दे सकते हैं, और कोई लड़की अगर आंसर देना चाहती है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज खुशी। खुशी, खुशी, क्या योगिता ने राइट आंसर दिया बच्चे? यस, सही आंसर है उसका। यस मैम। अच्छा, आप आंसर द क्वेश्चन। ओके मैम, राइज। राइज नो बेटा, इट्स रॉन्ग आंसर, बट गुड ट्राई। जीआईसी चिंतोली से बताया आंसर। रोशनी। रोशनी राइट ऑप्शन है। डाई, वेरी गुड। जीआईसी चिंतोली से रोशनी ने आंसर दिया, वेरी गुड। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि पेरिश का मतलब होता है डाई या डिस्ट्रॉय, बट डिस्ट्रॉय ऑप्शन इज नॉट हियर, इट मींस डाई इज द राइट आंसर। तो बच्चों जीडीआईसी सुल्तानपुर राइट आंसर, योगिता और जो दूसरी लड़की ने जो आंसर दिए थे दैट इज योर रॉन्ग आंसर, बट आप लोगों ने ट्राई किया, वेरी गुड, गुड ट्राई। तो इसी तरह से आप बिना हेजिटेशन के आंसर दें, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, कोई बात नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज डाई। तो रोशनी ने बताया इट्स राइट आंसर, गुड रोशनी, वेरी गुड। Now come to the second question. What would suffice if the world to perish twice? अगर यहाँ पे word है suffice, right? If the world were to perish twice, अगर दो बारी जो है perish, perish means अभी बताया है die, अगर destroy होता है या die होता है हमारा world two times, clear? तो कौन कौन से दो options हैं? अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों, flow chart में भी मैंने आपको बताया था। तो दो ऑप्शंस कौन से इसमें जो है, ट्वाइस बोला है तो ऑब्वियस है दो चीजें होंगी, आइस फायर हीटेड, एंड नेक्स्ट इज योर बोथ वन एंड टू। कौन बताएगा आंसर? जीजीआईसी सुल्तानपुर, अगर दो बारी हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा, वेरी गुड। जीजीआईसी सुल्तानपुर, योगिता मैम, ऑप्शन डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड योगिता, वेल डन। Your answer is right, you, both 1 and 2. Very good, Yogita. Good. Right, तो योगिता ने अभी DDIC सुल्तानपुर से आंसर दिया है, both 1 and 2, fire and ice. तो पोएट ने बोला है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि अगर हमारा जो है वर्ल्ड जो है पैरिश होता है, डाई होता है टू टाइम्स, तो किस किस से होगा? फायर से, इधर बाय फायर और बाय आइस। क्लियर? तो आंसर सही है योगिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What would be a better option to end the earth? तो कौन सा ऑप्शन जो है अर्थ को खत्म करने के लिए या जो है एंड करने के लिए, कौन सा ऑप्शन इज योर राइट? फायर, आइस, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट या नन?
कौन सा आंसर है? नेक्स्ट गर्ल को दो, कौन आंसर देगा? डीआईसी चिंतोली या डीडीआईसी सुल्तानपुर, किसी को आता है इसका आंसर? मैम माय नेम इज योगिता. योगिता, विच वन इज राइट आंसर? मैम ऑप्शन सी. बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, ठीक है? यस मैम, दोनों जो है इक्वली कॉम्पिटेंट है, दोनों उतने ही पावरफुल है. वेरी गुड योगिता, राइट. अगर एक ऑप्शन, पोएट ने लास्ट में बोला था कि दोनों ही उतने ही पावरफुल है टू डिस्ट्रॉय द अर्थ या वर्ल्ड, क्लियर? तो योगिता, वेरी गुड योगिता. नेक्स्ट इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से. अब स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड जो है, या आप ये कह सकते हैं कि यहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है, मेटाफोर है, इमेजरी है, या अलिटरेशन है, या ऑक्सीमोरोन है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. तो यहाँ पे बच्चों दो चीजें हो सकती हैं कि अलिटरेशन भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एक लिख देते हैं हम, अलिटरेशन और इमेजरी. इमेजरी क्यों है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं तो इमेजिन करते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर. और अलिटरेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, एस जो है, एस कॉन्सोनेंट क्या है, रिपीट हुआ है टू टाइम्स सम में और से में, एस एंड एस, क्लियर? तो अलिटरेशन एंड इमेजरी आप लोग कह सकते हैं. नेक्स्ट इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट फॉर द डिसेक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट. तो इसका सिंपल सा है इमेजरी, क्लियर? नेक्स्ट है वेयर हैज ही यूज पर्सोनिफिकेशन. तो बच्चों पोएटिक डिवाइसेस हमने करे थे तो उसी से बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो पर्सोनिफिकेशन जो है यहाँ पे किसके लिए यूज करा है, किसके लिए पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन क्वालिटीज को हम जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे कौन से दो नॉन लिविंग थिंग्स थी जिसके लिए यूज करा है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स? तो कोई आंसर दे सकता है इसका बच्चे? डीआईसी सुल्तान, डीडीआईसी सुल्तानपुर. यस वेरी गुड मैम, ऑप्शन सी अर्थ. अर्थ, नो. और कोई आंसर देगा इसका? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटीज को किसके लिए यूज करा है, अर्थ के अलावा किसके लिए यूज करा है? दो कॉम्पोनेंट्स हैं लिए ना यहाँ पे, कौन कौन से दो? मैम बोथ फर्स्ट और सेकंड. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड योगिता, गुड ट्राई. अच्छा कोशिश करके तुमने जो है राइट आंसर दिया, वेरी गुड योगिता. बोथ वन एंड टू फायर एंड आइस के लिए जो है उन्होंने यूज करा है हेटर एंड डिजायर, क्योंकि वो क्या होता है हमारी माइंड और पावर किसकी है, ह्यूमन बींग्स की है. तो उसको जो है उन्होंने क्वालिटीज को उनके पर्सोनिफाइड करा है किसके लिए, फायर एंड आइस के लिए. तो योर राइट आंसर इज बोथ वन एंड टू, गुड वेरी गुड योगिता. तो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आपके, सिट डाउन बेटा, 20-30 वर्ड्स के आते हैं तो वो हम डिस्कस करें. फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सट्रैक्ट में से, सेकंड में भी जो है आपके क्वेश्चन आते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, और थर्ड आते हैं आपके 20-30 वर्ड्स के. तो बहुत इंपॉर्टेंट पोम्स है. तो यहाँ पे जैसे फायर आइज स्टैंड फॉर किस के लिए स्टैंड करते हैं, क्रुएल्टी के लिए करते हैं, ये मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ग्रीड, एवराइज, लस्ट, कंफ्लिक्ट. तो ये जरूर याद करें आप लोग. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम. तो आप लोग जो है घर में रिवाइज करें, ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर आइस. अगर कहीं पे भी आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट होता है, कहीं समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको क्लियर कर सकते हैं. तो आज बच्चों ने जीआईसी चिंतोली और डीडीआईसी सुल्तानपुर से बच्चों ने आंसर दिए. वेरी गुड बच्चों, गुड ट्राई. सबने जो है जिन्होंने आंसर गलत थे बट उन्होंने ट्राई करा, गुड ट्राई, वेल डन. सारे बच्चों के लिए आप अपनी क्लास में क्लैप करें, गुड. और इसी तरह से सारे बच्चे कोशिश करें, चाहे राइट आंसर हो चाहे रॉन्ग आंसर हो, आप लोग जो है कोशिश करें आंसर देने की. तो वेरी गुड चिंतोली एंड सुल्तानपुर के जितने स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, वेरी गुड, वेल डन. तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, रिवाइज द पोम एट होम, और अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.